इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। ट्रेन से बिलासपुर जा सकते हैं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी। सीएम बघेल बोले, छत्तीसगढ़ में ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, सड़क मार्ग से ही जाए तो बेहतर। जिस ट्रेन से राहुल जाना चाह रहे हैं वो कल भी 4 घंटे लेट थी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, राहुल बिलासपुर संभाग के तखतपुर में होने वाले आवास न्याय सम्मेलन में होंगे शामिल। कार्यक्रम में सीएम बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी होंगी शामिल। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। ट्रेन से बिलासपुर जा सकते हैं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी। सीएम बघेल बोले, छत्तीसगढ़ में ट्रेनें कैंसिल हो रही है, सड़क मार्ग से ही जाए तो बेहतर। जिस ट्रेन से राहुल जाना चाह रहे हैं वो कल भी 4 घंटे लेट थी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल बिलासपुर संभाग के तखतपुर में होने वाले आवास न्याय सम्मेलन में होंगे शामिल। कार्यक्रम में सीएम बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी होंगी शामिल। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। ट्रेन से बिलासपुर जा सकते हैं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम बघेल बोले, छत्तीसगढ़ में ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, सड़क मार्ग से ही जाएं तो बेहतर। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, कल राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है, वहीं राहुल गांधी 7 लाख परिवारों को न्याय योजना के तहत बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर राहुल गांधी का दौरा है और राहुल गांधी के दौरे को लेकर के कई अहम तैयारियों के साथ में प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी जुड़ी हुई है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आवास मित्रों को संबोधित किया है और उनको बुलाया है और उनको आवास वितरण करने के लक्ष्य को एक धारण करते हुए उनको आवास वितरण किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ के जो बेरोजगार जो युवा है उनको साधने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके अलावा मजदूर और किसान जो वर्ग हैं उनको किस तरीके से साधा जा सकता है इसके ऊपर खास फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा जो ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं जिनके पास आवास तक नहीं है उनको आवास वितरण करके उनको प्रोत्साहित भी किया जाएगा और साथ ही साथ आवास के अलावा कई ऐसे जो कार्यक्रम है जिसमें राहुल गांधी खास तौर से युवाओं को किस तरीके से और बांधा जा सके इसके लिए खास फोकस करेंगे। इसकी रणनीति खास तौर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बना करके रखी है जिसके तहत जो राज्य युवा मितान क्लब है उनको खास तौर से बुलाया गया है, उनको भी वहां सम्मानित किया जाएगा और आने वाले कल में किस तरीके से युवाओं को और साधा जा सकता है उसके ऊपर खास फोकस किया जाएगा। जी जी अखिलेश जी, अखिलेश जी, ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत जिस तरह से राहुल गांधी कल 7 लाख परिवारों के खातों में पैसे ट्रांसफर करेंगे, वहीं विपक्ष की पार्टियां लगातार ये कह रही हैं कि जो ये योजना है ये कारगर साबित नहीं होगी अगर आगे भविष्य में कांग्रेस पार्टी आती है तो। बिल्कुल, निश्चित तौर पे शुरुआती दौर से ही देखने को मिला है कि जिस तरीके से यहाँ छत्तीसगढ़ में आवास को लेकर के काफी ज्यादा तनातनी की माहौल भी रही है, राजनीति हुई है, सड़क की आंदोलन लड़ाई जो है वो भाजपा लड़ी है जिसका नतीजा भी माना जा सकता है कि यहाँ आगामी चुनाव है जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ लगातार आवास योजना को लेकर के ही एक नई दृष्टिगत कार्य भी किया जा रहा है। तो ये खासा प्रोग्राम भी रखा गया है और इसके तहत जो आवास योजना है उसमें खास तौर से लोगों को यहाँ सरकता रखने के लिए और यहाँ उत्साहित करने के लिए प्रयास भी किया जा रहा है। जी जी अखिलेश जी, अखिलेश जी, फिलहाल छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ये बार बार गुहार लगा रहे हैं कि राहुल गांधी कल ट्रेन से ना जाएं, इसको लेकर क्या ताजा अपडेट है आपके पास? अखिलेश जी, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।